झारखंड में मॉब लिंचिंग के दोषियों का स्वागत करने वाले जयंत सिन्हा ने भले ही देश की जनता से माफी मांग ली है, लेकिन लगता है कि लिंचिंग के मामले पर अब वो विपक्ष से जंग के मूड में है। तभी तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर मैं राहुल से बहस को तैयार हूँ। देश में मॉब लिंचिंग को लेकर सरकार और विपक्ष में जंग तेज होती जा रही है। पहले जब झारखंड में केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने मॉब लिंचिंग के दोषियों का स्वागत किया था तो विपक्ष हमलावर था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र जयंत सिन्हा का ओहदा निरस्त करने वाली ऑनलाइन पिटीशन का समर्थन भी कर दिया था। लेकिन लगता है कि विपक्ष के तीखे तीर जयंत सिन्हा को इस कदर चुभे कि अब वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जंग के मूड में आ गए हैं। जयंत सिन्हा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लिंचिंग केस पर बहस करने की चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि यह इसीलिए है क्योंकि राहुल गांधी निजी तौर पर उन पर हमला करने लगे हैं। जयंत सिन्हा ने ट्वीट किया कि कांग्रेस नेता को यदि लगता है कि उनका व्यक्ति आचार व्यवहार सही नहीं है तो उन्हें मामले में सभ्य तरीके से बहस करनी चाहिए। मैं राहुल गांधी को सीधी बहस का न्योता देता हूं। जयंत सिन्हा के हमले यही नहीं रुके, उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी को अपने सोशल मीडिया हैंडल के पीछे छुपकर लुका छुपी वाली राजनीति से बाहर निकलने दें। उन्होंने मेरी शिक्षा, मूल्यों और मानवता की निंदा की है। मैं उनको रामगढ़ लिंचिंग केस के मामले में हिंदी अंग्रेजी में सीधी बहस की चुनौती देता हूँ। आपको बता दें कि 29 जून 2017 को झारखंड के रामगढ़ में भीड़ ने बीफ ले जाने के शक में अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या कर दी थी। इस मामले में दोषियों को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। जमानत मिलने के बाद जयंत ने 6 जुलाई को माला पहनाकर उनका स्वागत किया था। इस पर सिन्हा ने माफी भी मांग ली थी, लेकिन अब वो हमला बोलने वाले राहुल गांधी से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।